The body of gangster politician Mukhtar Ansari, who died of cardiac arrest, was brought to his residence from Banda for his funeral on Saturday amidst heavy security. A convoy of around 26 vehicles carried the gangster's body to Ghazipur. As per family members, the burial will be taking place in Ghazipur. Meanwhile, security has been heightened outside the residence of Mukhtar Ansari. And reactions on this story, of course, pouring in. सभी तैयारियां पूर्ण हैं. आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं, और लोगों पे नज़र रखी जा रही है. व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम चल रहा है. समय क्या है? 10 बजे. और जनाजे में जो दफनाने का समय जो है, वहाँ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? परिवार के क्या क्या लगता है, कितने लोग शामिल होंगे? परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव हैं, वो रहेंगे, और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं, वो भी आएंगे. तैयारी पूरी हो चुकी. ये गुसल हो रहा है अभी, आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें वक्त लगता है, और पीएम की बॉडी है तो इसलिए तो और वक्त लग रहा है. फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है. तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आ जनाजा, तो लोग कैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले, उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को लाइन लगा के बुला के सबको देखने के दिया जाएगा. हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे. अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा, तो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा. मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाना रहेगा. अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएगा. ठीक है, सब करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम, उसके बाद हम खुद ही आएंगे और फिर लेकर रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्द खाक किया जाएगा. रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है. लगभग कितनी फोर्स पर्याप्त संख्या में फोर्स है? फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं. और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था, उन्हें हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए. जिन लोगों को आना है, परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे, और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं. दफनाने का समय क्या है? जो परिवार ने बताया है 10 बजे. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.